एक्सिस बैंक यहाँ पे जरूर बाजार को थोड़ा सा झटका लगा है। शायद बाजार ने जितना सोचा था घाटा, और वो घाटा भी क्यों है, वो इसलिए है कि सिटी बैंक का इन्होंने कंज्यूमर बिजनेस खरीदा था तो उसके लिए बहुत सारा पैसा इकट्ठा देना था, तो उसके चलते घाटा है। वो असल में घाटा है नहीं, लेकिन फिर भी बाजार की प्रतिक्रिया निगेटिव है। इसको थोड़ा सा समझाइएगा सोमेश। और आरबीएल बैंक को देखिए, इनका मुनाफा 37% बढ़ रहा है। इंडसइंड बैंक मुनाफा 46% बढ़ रहा है। आईसीआईसी बैंक जिसने एक तरह से टोन सेट किया, 28% इसका मुनाफा बढ़ा है। यस बैंक यहाँ वैसे तो देखें तो इसका मुनाफा जो है वो बढ़ा है, लेकिन नहीं बढ़ा नहीं है बल्कि आधा हो गया है। और वो आधा इसलिए हो गया है क्योंकि इन्हें प्रोविजनिंग दोगुनी कर दी है पिछले साल के मुकाबले, पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले, इसी तिमाही के मुकाबले। तो ये मोटे तौर पे बैंकिंग जो जिस तरह के नतीजे हैं, ये मोटे तौर पे सबको मालूम था कि हाँ बैंकों के नतीजे अच्छे आएंगे, लेकिन क्या जितना सोचा था उससे थोड़ा और ज्यादा मीठे नतीजे आए हैं? ये मुझे नहीं लगता कि बैंकिंग के रिजल्ट्स को किसी भी तरह से हमें वीक पढ़ना चाहिए। एक आध दो स्पेसिफिक स्टॉक स्पेसिफिक नहीं, तो तभी तो मैं रहेगा। पूछ रहा हूं कि क्या नतीजे और ज्यादा अनुमानों से भी ज्यादा मीठे रहे हैं? अच्छा मतलब अच्छे। हाँ मुझे लगता है बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि आप इस इंटरेस्ट रेट सिनेरियो में भी देखिए ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में सुधार ही होता आ रहा है। प्रोविजनिंग थोड़ी बहुत बढ़ रही है, लेकिन प्रोविजनिंग बहुत ज्यादा कुछ नहीं, तो उसमें भी कोई खास चेंज नहीं दिख रहा है। इंटरेस्ट रेट जिस तरह से बढ़ा है लगातार बार बार, प्रोविजनिंग तो बहुत जबरदस्त बढ़नी चाहिए थी, बिकॉज सबके बिजनेसेस पे जो भी डेट फंडेड है उन पे हिट तो बहुत ज्यादा आया है। लेकिन मुझे किसी भी तरह से बैंक के किसी भी रिजल्ट से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। एक्सिस बैंक में मोस्टली ना मुझे समझ में आया है बहुत ज्यादा कारण, ना भी मार्केट को समझ में आया। मुझे एक ही चीज समझ में आई है, और वो भी कमेंट्री सुनने के बाद, कि जो सिटी बैंक क्रेडिट कार्ड का ब्रेक इवन उन्होंने बोला है FY25 में होगी, तो हो सकता है मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन रहा हो कि प्लानिंग हो कि FY24 का ब्रेक इवन हो जाए। मुझे इस चीज का आइडिया नहीं। इसके अलावा कहीं और पे कोई मिस एक्सिस बैंक के तरफ भी मुझे नहीं दिखती। ओवरऑल बहुत ही फेवरेबल रिजल्ट्स हैं। खासकर ध्यान रखने की बात है कि एक्सिस बैंक और कोटक बैंक अपने आप में बहुत एग्रेसिव बैंक्स हैं, इसलिए थोड़ा इनका प्राइस रिएक्शन भी एग्रेसिव होता है। मल्टीपल कैचअप चल रहा है, वैल्यूएशन मल्टीपल कैचअप चल रहा है एक्सिस बैंक का टुवर्ड्स आईसीआईसी बैंक, जैसे आईसीआईसी बैंक का टुवर्ड्स एचडीएफसी बैंक हुआ, वैसे वैल्यूएशन कैचअप चल रहा है। पेशेंस रखने से मुझे लगता है जिस तरह से बैंक क्लीन हो रहा है, जिस तरह से बैंक ग्रोथ पाथ पे जा रहा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, मुझे लगता है इसके वैल्यूएशन मल्टीपल इसके फेवर में जाएंगे। बट हाँ एज ऑफ नाउ, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि जो FY24 की उम्मीदें थी मार्केट को, शायद वो FY25 रही है, मेरा ऐसा अंदाजा है। इसके कारण से ये टेम्पररी डिसअपॉइंटमेंट है, बट बहुत ज्यादा डाउनसाइड मुझे नहीं लगता ये एक्सिस बैंक।